देखिए, चुनाव से पहले से आशंकाएं लगाई जा रही थी कि जब विपक्ष इस चुनाव में अपनी हार देखेगा तो कभी झूठ तो कभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भय और भ्रम फैलाने का काम किया जाएगा। जब विपक्ष के बड़े नेताओं ने झूठ बोलकर प्रचार किया, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी उनको अपनी हार दिखती नजर आई, तो अब डीप फेक के प्रयोग पर उतर आए। आखिर कौन है ये लोग, कितने बड़े नेता हैं, किन किन राजनीतिक दलों से हैं, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिरकार टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों भ्रम फैला रहे हैं, और वोट के लिए कितना नीचे और गिरेंगे। जी सर, राहुल गांधी लगातार दो चीजों पे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि 400 पार वाला, एक सिर्फ इन दोनों इश्यूज को कैसे देखते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो लोकतंत्र की हत्या की है एमरजेंसी लगाकर, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। कांग्रेस ने संविधान को कई बार संशोधन किया, 62 बार से ज़्यादा संशोधन किया, नेहरू जी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक किया, और इन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर किया, चुनाव हरवाए। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ बनाया, संविधान दिवस मनाया, उनके जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना, SC ST को फसल बीमा योजना में 71% लाभार्थी हैं, PM किसान सम्मान निधि में 80% हैं, मुद्रा योजना में लगभग 51% से ज़्यादा हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में तो SC ST OBC को उनका हक मिला, OBC को संवैधानिक दर्जा कमीशन को मिला। हमने अगर बदलना होता तो 10 साल में बदल दिया होता। ना नरेंद्र मोदी जी के मन में कोई इच्छा थी, ना है। नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले दिन एक सर झुकाया संसद की पहली सीढ़ी पर, दूसरा सर झुकाया अपना संविधान पर जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। कांग्रेस को पीड़ा इस बात की हो रही है कि 10 साल मोदी जी ने देश का मान सम्मान कैसे बढ़ा दिया, और अब ये विपक्ष जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरा है, अलग थलग पड़ा है, ना नेता ना नीति और ना नीयत एक है, उनको अब डर सता रहा है कि हार कैसे होगी तो उससे बचा कैसे जाए। सर, इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रही जो है डिस्कशन बढ़ता जा रहा है, पहले राहुल वायनाड गए, फिर अमेठी आए, फिर अमेठी से वायनाड, इस तरह से चक्कर मारे, फाइनली प्रियंका गांधी का जो कंफ्यूजन चल रहा था, उन्होंने बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है किसको टिकट देनी किसको नहीं देनी, कहीं से भी लड़ेंगे हार निश्चित है। मेरा केवल इतना कहना है कि कम से कम झूठ की राजनीति ना करें। ये जो कहते हैं कि कोटा खत्म कर देंगे SC ST का, OBC का, ये बिल्कुल झूठ है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बार बार ये और पक्का किया है कि जो कोटा था वो कोटा है और आगे भी रहेगा, और ये मोदी की गारंटी है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने SC ST OBC के हक छीने जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटक में हो, आप देखिए यहाँ पे ये गैर भाजपा सरकारों ने SC ST OBC के दर्जे को छीनने का काम किया और मुसलमान को देने का काम किया। अब इस पे भी डीप फेक वीडियो बनाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, उनके बड़े नेताओं के नाम आते हैं कांग्रेस के, तो देश की जनता को इतने कहूँगा, सावधान हो जाइए। ये कांग्रेस है, झूठ भी खूब खुलकर बोलती है और डीप फेक में भी इनका नाम खुलकर आता है। सर, कर्नाटक PM को मंगलसूत्र के बारे में तब तक नहीं बात करनी चाहिए जब तक वो वापस देश में लाए नहीं जाते, प्रियंका वाड्रा ने ऐसा कहा। देखिए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है, और क्यों कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की हाथ पे हाथ धर के बैठी रही? क्या आपसी तालमेल था, क्या मजबूरियां थी, तो कांग्रेस को बताना है भाई। इसका उत्तर कांग्रेस को देना है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी रही जब एक गंभीर आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति पर वहां पर लगा, तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की, कैसे विदेश जाने दिया, क्यों कदम नहीं उठाए? इससे पता चलता है कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। इंदौर के और मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति के सम्मान में नारी शक्ति वंदन बिल लाती है, 33% आरक्षण देती है, तो उनके लिए पक्का मकान, गैस का चूल्हा, शौचालय, दवाई से लेकर मुफ्त में अनाज का काम भी करती है, पानी की सुविधा भी देती है। नारी के लिए जो मोदी सरकार ने किया, शायद किसी और सरकार ने उतना किया हो, और हम आज भी कहते हैं आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून उसके ऊपर अपना काम करे,
लेकिन कांग्रेस उससे दूर भागती नजर ना आए, प्रोपेगेंडा केवल काम से नहीं चलेगा, कार्रवाई करे कांग्रेस की सरकार। इंदौर के कांग्रेस ये कदम उठाना, देखिए कहीं कांग्रेस के लोग नामांकन भरने के बाद नाम वापस ले रहे हैं, कहीं नामांकन भरने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लेकर उनके कार्यकर्ताओं तक, उनके पार्टी के उम्मीदवारों तक है। ये आज कांग्रेस के और विपक्ष की हालत है कि चुनाव से भागती कांग्रेस नजर आ रही है। संदेशकाली मामले पे के मामले में सरकार पार्टी बनना चाहती है। देखिए ऐसा लगता है कि वहाँ शाहजहां शेख का इतना दबाव शायद ममता बनर्जी पर ऐसे लोगों का है कि जो महिलाओं को अपमानित प्रताड़ित भी करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और ममता बनर्जी जी, आप महिलाओं को सुरक्षा देने की बजाय आप ऐसे अत्याचारियों को, आरोपियों को संरक्षण देने का काम करती हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते आपको ऐसे लोगों को बचाना पड़ता है जो अत्याचारी भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं और गंभीर मामलों में आरोपी भी हैं। ये दिखाता है कि वोट बैंक के लिए विपक्ष किसी भी स्तर तक गिरेगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या कर्नाटक हो। कर्नाटक का नाटक भी खत्म नहीं हुआ जब कांग्रेस के ही काउंसलर की बेटी की दिन दिहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। काउंसलर पिता को भी कांग्रेस की सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने सीबीआई जांच मांगी। ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है, कांग्रेस कदम उठाकर राजी नहीं है और इस तरह के आरोपी खुले में घूम रहे हैं।